बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मेरे सामने दो प्रोडक्ट पड़े हैं, एक है नवसिन 100 पीवीपी इंजेक्शन और दूसरा है ऑक्सीप्रो 5%। ये क्रीड फार्मा का है और ये नवान लेबोरेटरी का है। दोनों की अगर कंपोजिशन देखें तो दोनों के अंदर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्ट जो एंटीबायोटिक मौजूद है। तो आज की वीडियो का मैं जानने के कि ये पीवीपी क्या होता है, ये नवासीन जो लिखा हुआ है पीवीपी का क्या मकसद होता है। तो दोस्तों पीवीपी जो है इसको हम पॉलीविनाइल पायरोलिडोन कहते हैं। ये बेसिकली एक सिंथेटिक पॉलीमर है। तो नॉर्मल जो ऑक्सी है उसको उसके जो एज अ प्रिजर्वेटिव इसके अंदर यूज होता है, उसके अलावा इसके अंदर वाटर यूज करके इसको स्टेबल किया जाता है। लेकिन जो ऑक्सी पीवीपी में उसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ जो उसका प्रिजर्वेटिव है और उसके अलावा इसमें पीवीपी पॉलीविनाइल पायरोलिडोन को भी ऐड किया जाता है। तो इसका मकसद ये होता है कि इससे जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और प्रोडक्ट की जो सॉलिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इससे ये होता है कि जो अक्सर पार्टिकल्स नज़र आते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के अंदर, अगर आप टीके को हिलाएं तो उसके अंदर पार्टिकल नज़र आते हैं। तो अगर ये पीवीपी उसके अंदर डाला होगा तो ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के जो पार्टिकल्स हैं उनको एग्रीगेशन से रोकता है और उनकी सॉलिबिलिटी को बेहतरीन कर देता है और इसको बेहतरीन स्टेबिलिटी भी देता है, जिससे आपके लिए बेहतरीन इंजेक्शन जो है वो अवेलेबल होता है। और उसके अलावा ये एक बेहतरीन बाइंडर है। ये जितने भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के जितने भी उनके पार्टिकल्स हैं उनको जोड़ के रखता है और उनको किसी भी किस्म की जो है प्रेसिपिटेशन से भी बचाता है। तो इसकी वजह से पीवीपी की वजह से जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। और उसके अलावा जब आप खोलते हैं और उसको खोल कर रखते हैं और इस प्रोडक्ट को भी साथ खोल कर रखते हैं तो इस प्रोडक्ट की जो सादा ऑक्सी है तो उसकी निस्बत जो पीवीपी की जो शेल्फ लाइफ है वो पीवीपी के डालने की वजह से बढ़ जाती है। तो दोस्तों इतनी बेहतरीन चीज़ है और इसका इसकी वजह से एक ये भी होता है कि इसके जो पार्टिकल्स है वो बेहतरीन जो है वो सॉलेबल होते हैं। तो जब भी आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाते हैं तो पीवीपी इतनी ज़्यादा जानवर को इरीटेशन नहीं करती बनिस्बत इसके। तो जो सादा कोई भी ऑक्सी हो, ज़रूरी नहीं कि ऑक्सी प्रो का मैं नाम लूँ, कोई भी सादा ऑक्सी हो इसकी जो इरिटेशन है या पेन होती है वो कम होती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो पीवीपी डालने की वजह से ही हुई हैं। तो दोस्तों ये पीवीपी जो है बेसिकली एक स्टेबलाइजर एज अ सोलबलाइजर और बेहतरीन जो है बाइंडिंग एजेंट एज अ काम करता है। तो इसकी वजह से जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है पॉलीविनाइल पायरोलिडोन को जो है एज अ बाइंडिंग एजेंट और एज अ बेहतरीन सोलबलाइजर और एज अ बेहतरीन स्टेबलाइजर यूज़ करती हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और आगे वीडियोज़ को शेयर किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।